सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। तुम्हें क्या लगता है अभियान मीडिया के लिए? नहीं। तो क्या अखबार के लिए है? नहीं। तो क्या हेलमेट के लिए है? नहीं। तो फिर हम ये सबसे अभियान किस लिए कर रहे हैं? ये स्वच्छता अभियान हम हमारे शहर और देश के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? शहर और देश के लिए। और ये स्वच्छता अभियान एक दिन की नहीं बल्कि हर रोज की जिम्मेदारी है। क्या है? हर रोज की जिम्मेदारी है। अरे भाई, ये सब तो असभ्य लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद रखना? और सभ्य को सभ्य बनना पड़ेगा और देश को साफ रखने में सहयोग करना पड़ेगा। आज खरे म्हणजे आम माउंट लीटर स्कूलाचे खूप देव बरे करू म्हणता। आज तानी वो क्लिनलीनेस ड्राइव दौरला। आज क्लिनलीनेस ड्राइव करता करता तानी एक स्ट्रीट प्ले केलो। स्ट्रीट प्लेन म्हणजे स्वच्छता आम्ही कशी दौरपा जाय, आमचे पर्यावरण आम्ही कशे राखपा जाय, त्याला आमचो गाव आमचो शहर कशे राखपा जाय, हाजेर ताणें एक सुंदरसो एक स्किट तयार केलो। तातून एक सगळ्यांत बरी गोष्ट म्हणटा ती ताणें एक सेफ टूथ म्हणून एक हे काडला, पाउच काडला। आम्ही खूपदा किदें पळयतात की लोक हांगा गुटखा खाता, पान खाता, नाल्यार किदें खाता आनी मेळटा थंय तुकता। आमी तांकां खूब अवेर करपाचो प्रयत्न केलो, देवाच्या फोट्या लावपाक लागले, ते देवाचेरूच तुकपाक लागले। सो विडंबना जावपाक लागली, सो अवेरनेस जायत आसा लोकांची, लोक खुबशे चेंजूय जावपाक लागल्या। पूण हो एक बरो नवो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता रोटरी क्लबान काडला आनी ते माउंट लिटरा स्कुलान आज इंट्रोड्यूस केला। हें एक पावच आसा, म्हणजे जो गुटखा खाता नाल्यार ताणें हें पावच आपल्या कडेन दवरपाचें आनी जितले फाटी एक 10 ते 15 फाटी तो हातूंत थुकूंक शकता। थुकून तो वयर सील करून सपोज आपल्या कडेन दवरलें आनी खंय मागीर डस्टबिनान उडयलें, ताजो म्हाका दिसता खूब फायदो जातलो। हांव सगळ्या कडेन मागतां, कोण पान खाता नाल्यार आनी मुद्दम आमी आतां हाजें वितरण करतले, तांणी सांगलां आमचे कडेन बॉक्सीस दितली म्हणून, सो हाजें आमी वितरण करतले। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की थुकप हें वायटूच, तुमकां इतलेंच सपोज पान खावपाचीच रूच आसा नाल्यार कितें आसा जाल्यार हें पावच घेवन भोंवचें आनी तातूंत भितर घालून खंय तरी डस्टबिनान उलोवपाचें। ब्रॉट अप बाय रोटेरियन रोहन, ही मेट मी 15 डेज बॅक इन माय ऑफिस। He said people are spreading diseases by spitting on the road. We had faced a big problem when corona was there. So we are educating people so that they don't spit on the road. They can spit 10 to 12 times in this. And there is a ziplock. They can keep it with them and throw it, dispose it off after 10 to 12 spits into the dustbin. And it will not harm anybody because after they spit, it will turn into a gel. It will harden after 12 spits and you have to throw it away. So we are trying to educate people so that we can stop spread of diseases which is harming our kids. इसे कहते हैं सेफ थ्रो। इसमें हम 10 से 15 बार थूक सकते हैं। इसे आप अपने जेब में भी रख सकते हैं। अब जब भी आपको आगे से थूक आए तो इसमें थूके जमीन पर नहीं, क्योंकि थूक में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दूसरों पर बीमारियां फैला सकते हैं। सेफ थ्रो का इस्तेमाल करने से आपको जमीन पर थूकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और बीमारियां नहीं फैलेगी।